Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about the closure properties of the context-free languages. We have already discussed a lot of examples of the context-free languages. It's the time to discuss their closure properties. Hum log paanch properties discuss karenge yahan pe. First discuss karenge union, then concatenation, then clean closure, intersection or complementation. So ye jo video hai, do part mein divided hai. First video mein hum log union, कॉन्कैटिनेशन और क्लीन्स क्लोजर के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरसेक्शन एंड द कॉम्प्लीमेंट. सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनियन प्रॉपर्टी. और यूनियन के लिए अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं. द फर्स्ट लैंग्वेज इज लेट्स से ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड देयर इज अनदर लैंग्वेज लेट्स से दैट इज सी पावर एम एंड डी पावर एम where m is greater than or equal to zero. तो आपको पता है कि जो L1 language है वो context free जिसमें a और b का comparison किया जा रहा है, जो L2 language है जिसमें c और d का comparison किया जा रहा है ये भी context free होगी, ये आपको पता है. तो अगर हम L1 language का एक grammar लिखें, so that grammar will be let's say s1 produces a s1 b where okay not where but and the epsilon. सो आप देख सकते हैं कि पहले एज जनरेट होंगे एंड देन बीज जनरेट होंगे. एज की संख्या जो होगी वो बीज की संख्या के इक्वल होगी. एस वन कैन टेक एप्सिलॉन आल्सो. इसी तरह से अगर हम दूसरे लैंग्वेज एल टू के लिए एक ग्रामर लिखें, सो दैट विल बी लेट्स से एस टू प्रोड्यूसेस सी एस टू डी एंड एप्सिलॉन. सो इसमें तो आप देख सकते हैं कि जो जनरेट होगा नंबर ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ डी से जनरेट होंगे. कैसे जनरेट होंगे हम इसका डिराइवेशन करके देख सकते हैं. लेट्स से एस वन प्रोड्यूसेस ए एस वन बी, अगर आप एस वन को एप्सिलॉन रख दें तो एक ए और एक बी जनरेट होगा. अदरवाइज अगर आप एस वन से ए एस वन बी लिख दें और एस वन को एक बार फिर से ए एस वन बी से एक्सपैंड कर दें और एस वन की जगह एप्सिलॉन ले लें नेक्स्ट एक्सपेंशन में, तो ये डबल ए डबल बी जनरेट करेगा. तो इस तरह से ये एक इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बी जनरेट करेंगे. सिमिलरली जो एस टू है वो इक्वल नंबर ऑफ सी और इक्वल नंबर ऑफ डी जनरेट करेगा. तो अगर इनका हमें यूनियन करना है तो हम ये कह सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस एस वन और एस टू एंड देन एस वन प्रोड्यूसेस ए एस वन बी एंड एप्सिलॉन एंड एस टू प्रोड्यूसेस सी एस टू डी एंड एप्सिलॉन. सो ये हमारा एक कंबाइंड ग्रामर हो गया. इस कंबाइंड ग्रामर के हिसाब से आप कह सकते हैं कि या तो एस एस वन प्रोड्यूस करेगा या तो एस एस टू प्रोड्यूस करेगा. एस वन अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इस वाले तरफ चले जाएंगे, अगर वो S2 प्रोड्यूस कर रहा है तो इस तरफ चले जाएंगे. तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये जो ग्रामर हमने बनाया है वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है. तो निश्चित रूप से जो लैंग्वेज बनेगी वो भी कंटेक्स्ट फ्री होगी और इसके लिए एक पीडीए एग्जिस्ट करेगा. आप पीडीए से भी समझ सकते हैं इसको कि अगर हमने क्यू जीरो स्टेट से पीडीए स्टार्ट किया है तो अगर मुझे एज मिलना स्टार्ट हो जाए तो हम एक डायरेक्शन में ए पावर एन और बी पावर एन वाला बना सकते हैं पीडीए, और दूसरे डायरेक्शन में अगर मुझे सी मिलना शुरू हो जाए तो मैं सी पावर एन और डी पावर एन वाला पीडीए बना सकता हूँ. तो दोनों का यूनियन इस तरह से बन जाएगा और इस तरह से जो हमारा पीडीए बनेगा दैट विल बी यूज्ड फॉर द यूनियन ऑफ ए पावर एन बी पावर एन एंड सी पावर एन एंड डी पावर एन. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो एल वन यूनियन एल टू लैंग्वेज है वो हमारा कंटेक्स्ट फ्री होगा. सो दिस वॉज वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन. लेट मी नाउ गो फॉर कॉन्कैटिनेशन. नाउ कॉन्कैटिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वंस अगेन कि L1 is equals to A power N and B power N where N is greater than or equal to 0. Similarly, L2 is equals to C power M and D power M where M is greater than or equal to 0. तो पहले वाले लैंग्वेज में ऐसा कहा जा रहा है कि A और B की संख्या सेम होनी चाहिए और दूसरे वाले ग्रामर में ऐसा है कि जिसमें कि C और D की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए. तो अगर हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर ये कहा कि S1 produces A S1 B or epsilon, this is the grammar, and let's say S2 produces C S2 D and epsilon. और इसके बाद अगर हम ये कह दें कि S produces S1 followed by S2, तो जो language होगी वो क्या हो जाएगी. Language will be equals to A power N B power N and then C power M and D power N where N and M is greater than or equal to 0. तो पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टैक में ए और बी का कंपैरिजन कर लें, जब ये कंपैरिजन फिनिश हो जाए तो सी और डी का कंपैरिजन कर सकते हैं सेम स्टैक में.
इस तरह से जो हमें लैंग्वेज मिलेगी वो लैंग्वेज जो होगी वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, क्योंकि इसके लिए पीडीए पॉसिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लीन क्लोज, क्लीन क्लोजर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लीन क्लोजर, एंड लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो L1 है, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ओके, एंड हमें प्रूव ये करना है कि L1 का क्लीन क्लोजर जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा या नहीं होगा। सो लेट्स से L1 एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है, तो इसके लिए निश्चित रूप से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो है S1 प्रोड्यूसेस ए S1B एंड एप्सिलॉन, और इसके बाद क्लोजर का मीनिंग क्या है कि इसी को हम बार बार जनरेट कराएं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए पावर एन बी पावर एन, एंड देन इसके बाद अगेन ए पावर एन बी पावर एन, फिर अगेन इसके बाद ए पावर एन एंड बी पावर एन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर हमें ऐसा जनरेट करना तो हम क्या कर सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस लेट्स से S1 फॉलोड बाई एस और एप्सिलॉन। सो नाउ क्लोजर में ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक भी बार इसको सेलेक्ट नहीं करें, इसीलिए हमने एस को एप्सिलॉन कर दिया। डेरिवेशन अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एस प्रोड्यूसेस S1 एस एंड देन वी कैन टेक एस एस एप्सिलॉन। सो ये सिंगल टाइम S1 जनरेट कर रहा है। इफ एस प्रोड्यूसेस S1 एस, और इसको एस को अगेन हमने सेम मेथड से एक्सपेंड कर दिया, सो इस केस में 2 बार S1 प्रोड्यूस हो रहा है, एंड सिमिलरली हम 3 बार एंड 4 बार एंड सो ऑन सो फोर इतनी बार जनरेट कर सकते हैं, जितने हमें रिक्वायरमेंट है उतनी बार क्लोजर के हिसाब से। सो सिंस हमें ये पता है कि ए पावर एन और बी पावर एन जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और इसके लिए पीडीए बनाया जा सकता है, तो अगर हम इसका रेपिटेशन करें तो वो भी क्या होगा, ए पावर एन बी पावर अगेन आए तो ये भी जो रेपिटेशन हमारे होंगे वो रेपिटेशन भी सिंगल स्टैक से किया जा सकता है। इसलिए ये जो क्लीन क्लोजर होगा दैट विल बी क्लोज्ड, द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस विल बी क्लोज्ड अंडर द क्लीन क्लोजर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।